शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इच्छा, चल हम सबके लिए चाय लेकर आते हैं। और दिल्ली वाले दामाद जी बड़े दिनों के बाद आए, बैठिए ना। जी जी बेटा, तुम भी बैठो। और बताओ दिल्ली वाले दामाद जी, घर में सब ठीक ठाक है ना? जी जी अम्मा जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपके हालचाल कैसे हैं? बस सब शिव जी की कृपा है। उपा जी, बड़े बदले बदले लग रहे हो आप। चुप कर। अरे हाँ पिताजी, मेरा मतलब है फूफा जी को बात करते हुए आंख मारने की आदत है ना। इस चक्कर में 4 बार पड़ोस की औरतों से पिट चुके हैं, और आपने देखा, एक बार भी आंख ना मारी उन्होंने इस बार। हो जा। अरे कोई बात नहीं अम्मा जी। प्रबल बेटा, ऐसा है कि मैंने 1 साल पहले अपनी आंख का ऑपरेशन करा लिया। अब जो आंख पहले टिमटिमाती थी ना, अब नहीं टिमटिमाती। अरे ये तो और भी अच्छा है फूफा जी, अब आप आंख खोल के पड़ोस की औरतों को देख सकते हो, कोई शक भी ना करेगा। अरे चुप हो जा मेरे बाप। हाँ बेटा, अपने बारे में बता। जी ये मयूरेश है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का लड़का है। मयूरेश बहुत ही होनहार लड़का है और पढ़ा लिखा भी है और अच्छा खासा कमा भी लेता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल का बहुत ही अच्छा है और शरीफ है। ममता दीदी, ये लड़का कौन है? सुबह फूफा जी से बात हुई थी ना सबल भैया की, वो फोन आया था, ये वही लोग हैं दिल्ली से तुम्हें देखने आए हैं। अब तुझे क्या हुआ, तू अपना सर क्यों पीट रही है? अब सर ना पीटू तो क्या करूं? इच्छा दीदी की जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अब मैं नन्ही जा, क्या क्या करूं, क्या क्या संभालूं? ओहो, तेवर तो देखो इसके, बात तो ऐसे कर रही है जैसे इसकी माँ हो। कल परसों ही तो इससे मिली है, ऐसा क्या संभाल लिया तूने जो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसी इच्छा दीदी को हंसाने के लिए बोल रही थी। अच्छा, तू खड़े खड़े क्या सोच रही है, शादी के सपने देखने लगी क्या? नहीं दीदी, दीदी मैं तो इच्छा, क्या बात है, उदास हो? ये देखना दिखाना तो चलता रहता है, हर लड़की के साथ होता है। लड़के के सामने जाने से पहले हर लड़की घबराती है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, जाते ही लड़की को प्यारी सी स्माइल दे दो, देखना कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, सीधा पसंद कर लेगा। चलो अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेते हैं, लड़का बाहर इंतजार कर रहा होगा। मयूरेश का दिल्ली में अपना खुद का बिजनेस है, सब अपनी मेहनत से खड़ा किया है इसने, एक पाई भी घर वालों से नहीं ली है इसने। अभी 2 दिन पहले इसकी शादी की बात चल रही थी और आज ही मैंने आपका इश्तेहार पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि लड़का अच्छा है तो क्यों नहीं चलकर आपसे रिश्ते की बात की जाए। अब शिवजी की कृपा होगी तो रिश्ता अपने आप जुड़ ही जाएगा। जुड़ेगा दामाद जी, जरूर जुड़ेगा। अच्छा ही अच्छाई से जुड़ती है तभी तो दुनिया चलती है। अरे मयूरेश जी, एक बात बताइए, आपको शादी क्यों करनी है? शादी क्यों करनी है मतलब क्यों करनी है? इंसान शादी क्यों करता है? क्यों करता है? अकेलापन दूर करने के लिए, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत तो होती है ना। मतलब अकेले आगे ना बढ़ सकते तुम, अकेले खुद को ना संभाल सकते हैं? अरे मेरा मतलब, अगर अकेले खुद को ना संभाल सकते हो तो इच्छा को क्या संभालोगे?
अरे चुप करो बाबलो, कैसे उठपटांग सवाल पूछ रहे छोरे से? अरे दादी हम तो बस जानती हूँ तुम दोनों को इच्छा की घनी फिकर है। तुम लोग चाहते हो कि उसका हाथ किसी नेक और अच्छे आदमी के हाथ में दे, लेकिन हम बड़े भी तो यहाँ बैठे हैं। जो भी तय होगा इच्छा और हम सबकी मर्जी के साथ तय होगा, लेकिन तब तक तुम दोनों चुप रहो। लो इच्छा भी आ गई। ले ले बेटा ले ले। इच्छा इनसे मिलो, ये मयूरेश है, बिजनेसमैन है, अमीर है, पढ़े लिखे हैं, हैंडसम भी है, वो तो देख ही रहा है, और ये रिश्ता फूफा जी लेकर आए, तो आई एम श्योर खानदानी तो होंगे ही। इच्छा मुझे लगता है तुम्हें हाँ कर देना चाहिए, कोई खोट नहीं है इसमें। खोट तो हमारी इच्छा में भी ना है, सुंदर तो है आपने देख लिया, इतनी समझदार और सुलझी हुई छोरी है कि मैं बता नहीं सकती, और खाना खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। हमारी इच्छा लाखों में एक है। अम्मा जी अब इन दोनों को भी अकेले में बातचीत करने के लिए वक्त दे देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ बेटा आपस में बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो, फिर हम आगे की बातें बढ़ाएंगे। इच्छा जा इसके साथ कुछ बातचीत कर ले, और हाँ अपना घर भी दिखा देना इसे। तो बताइए आपको और क्या क्या पसंद है? जी दरअसल वो देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी, आपसे नहीं किसी से नहीं, आप चलकर सबसे मना कर दीजिए। आप तो इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं, फिर इतना तो समझ ही सकते हैं कि कोई भी लड़की ऐसे ही शादी के लिए मना नहीं करती, उसकी अपनी कोई वजह हो सकती है, मेरी भी वजह है, जो ना मैं अपने घर वालों को बता सकती हूँ और ना आपको। आप प्लीज मेरी बात मानिए, सबसे कह दीजिए कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। चलिए लेकिन मुझे तुम पसंद हो, सिर्फ इस वजह से कि तुम एक इच्छाधारी नागिन मैं मना नहीं कर सकता। आप कौन हो और आप कैसे जानते हो कि मैं? शुभचिंतक हूं तुम्हारा। ये इच्छा का शुभचिंतक कहां से आ गया? कौन है ये? मेरा नाम क्या है, मैं कौन कहां से आया हूं? इच्छा ये सारी बातें तो हम आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। फिलहाल तुम इतना जान लो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता हूं। क्या जानते हो? नागिस्तान की इच्छा हो और यहां किसी अभियान पर आई। कुछ दिन पहले विशैलगढ़ की विश्नैनी के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई और आज की तारीख में वो तुम्हारे जान की दुश्मन है। सिर्फ तुम्हें नहीं वो इस परिवार को भी जान से मारने वाले हैं, क्योंकि तुम इस परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इच्छा मैं तुम्हारी और इस परिवार की जान बचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये हमारे और इच्छा के बारे में कैसे जानता है? बस बहुत हो चुका, ये बताइए आप हैं कौन? मुझसे तो कहा गया था कि आप इस परिवार के किसी रिश्ते। इच्छा
इच्छाधारी नागिन हो ना तुम, तुम्हारे लिए रूप बदल के आना कौन सी बड़ी बात। बस हमने भी वही किया। इसका मतलब आप भी मेरी तरह एक इच्छा इच्छा इच्छा। एक बात बताओ, तुम्हें हर चीज जानने की इतनी जल्दी क्यों? सब्र करो, सही वक्त आने पे सब पता चल जाए। तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो और ये सब इस तरह क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेतहाशा प्यार। शायद ही आज तक किसी ने इतना प्यार किसी से किया। अच्छा, मैं तुम्हें यहां अपना बनाने आया हूं और अपना बना के ही रहूंगा। तुम अपनी हद में। प्यार की कोई हद नहीं होती और मेरी हद तब खत्म होगी जब तुम मेरी बाहों। ऐसा पागलपन है ये। तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, फिर ये भी जानते होगे नागो का रिश्ता सिर्फ नागो से ही जुड़ता है। तुमने अब तक बताया नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और मैं तुमसे कैसे। अच्छा, मैं इंसान हूं या कुछ और, जो भी हूं उससे क्या फर्क है? मतलब नाग आत्मीकरण से इंसान नाग बनता है ना? ऐसी एक विधि मेरे पास भी है। अच्छा, तुम एक बार हाँ कह, फिर मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा और वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं नहीं जानती तुम कौन हो या किस लिए आए हो, लेकिन तुम जो कोई भी हो अभी के अभी यहां से निकल जाओ। और अगर मैं ना जाऊं तो क्या कर लूं? इच्छा, मैं यहां से जाने वाला नहीं और तुम मुझे यहां से निकाल नहीं सकते। तुम मेरे मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर देखना चाहो। दादी, मैं अभी आया। अच्छा अच्छा, जा। एक इच्छाधारी नागिन केवल अपनी इच्छा से रूप बदल सकती, लेकिन मैंने तो इच्छा देख ली मेरी ताकत। अब जरा सोच, मैं अगर तुम्हें इस रूप में घर वालों के सामने ले जाऊं तो मुझसे लड़ना बेकार है। इच्छा, तुम कुछ भी कर लो, मुझसे हारी जाओगी। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, मुझे धमका कर जबरदस्ती। इच्छा, वो क्या कहते हैं इंसानों में कि प्यार और जंग में सब जायज। मेरी बात प्यार से मान लो, वरना। वरना क्या? वरना मैं घर वालों को ये बता दूंगा कि तुम एक लड़की नहीं बल्कि जी, आप यहां लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं बस ये पूछने आया था कि तुम दोनों के लिए कुछ चाय या नाश्ता भिजवा दूं। नहीं,
हम बस आ ही रहे हैं। तो चले। फूफा जी आप सिर्फ लड़की दिखाते हो या लड़कियां भी दिखाते हो आप? अरे लो आ गए। खड़क हाँ छोरा बता कैसी लगी हमारी इच्छा? दादी जी आपने जितनी तारीफ की थी उस मुकाबले में मुझे इच्छा बहुत ज्यादा ज्यादा पसंद। मुझे लड़की पसंद। अरे वाह। अच्छा तू बता तुझे कैसा लगा मयूरेश? मना कर दे इच्छा, ना बोल दे इस लड़के को। शिवजी इच्छा के मुंह से बस ना कहलवा दीजिए, रोज सुबह शाम आपको मेरी फेवरेट भैंस का दूध चढ़ाऊंगा। अरे छोरी इतना शर्माने की जरूरत ना है, बता भी दे तुझे छोरा पसंद है या नहीं। नहीं। इच्छा मैं क्या दादी आप एक ही मुलाकात में पसंद नापसंद का फैसला कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ना एक दो बार और मिलना चाहिए। वो क्या है ना दादी, पहली मुलाकात में लड़का लड़की दूसरे के साथ ऑकवर्ड होते हैं, नर्वस होते हैं, खुलकर बातचीत नहीं कर पाते। अगर एक दो बार और मिलेंगे तभी दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, खुलकर बातचीत कर पाएंगे। हाँ डबल बिल्कुल सही कह रहा है, शादी ब्याह का मामला है, वक्त लेकर एक दूसरे को समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक मुलाकात में ना तो कोई किसी को अच्छे से परख सकता है और ना ही हाँ और ना का फैसला कर सकता है। मने भी लग रहा है कि इच्छा और मयूरेश को एक दो मुलाकात और करनी चाहिए। खड़क तू क्या कहता है? ठीक है माँ फिर एक काम करते हैं। ओ छोरे तू कुछ दिन और ठहर जा यहाँ, इस बहाने हमें मेहमान नवाजी का मौका मिलेगा और तुम दोनों को एक दूसरे को जानने पहचानने का समय भी मिल जाएगा और फिर इच्छा अपनी मर्जी भी बता देगी। लेकिन पिताजी आप मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर ये शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। अरे वाह अगर दोनों तरफ से चीजें इतनी अच्छी हो रही है तो ये रिश्ता जुड़ना ही चाहिए। बताओ मयूरेश जी थोड़ा जोर लगाइए, हमारी इच्छा का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। आसान चुनौतियों का शौक तो मुझे भी नहीं। पापा जी आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप जानते हैं मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया, रिश्ते देखने शुरू कर दिए और अब ये? आपको जरूरत क्या थी उस लड़के से ये कहने की कि हमें एक दो बार और मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए? अरे नहीं करना है मुझे ये सब। क्यों क्या गलत है इसमें? जिसके साथ शादी करनी है उसे ठीक से समझना तो पड़ेगा ना। पापा जी आप कोई खास वजह है क्या? अच्छा तो तुम किसी और को समझना नहीं चाहती? कोई खास वजह है तो तुम्हें किसी और से शादी ही नहीं करनी? होता है अक्सर ऐसा होता है। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ किसी खास के लिए बनी होती है, और दिल भी ऐसी एक जगह है। जी मैं आपको छोड़ो ना अच्छा, हर बार नई वजह ढूंढना, हर बार नई दलीलें पेश करना, तुम कब तक ये सब करोगी? एक झूठ को छुपाने के लिए तुम कितने झूठ और बोलोगी? मान लो ना कि तुम मुझसे प्यार करो और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी,
दिल में कुछ और है और तुम जुबान से कुछ और ही कह रही हो। देखो इच्छा, कल भी फैसला तुम्हें करना था और आज भी फैसला तुम्हें ही करना है। वो लड़का भी यहां है और मैं भी यहां, हम दोनों में से तुम्हें किसके साथ शादी करनी इसका फैसला नहीं, भी मुझे आप दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी। आपको गलत फहमी हुई है कि मुझे आपसे प्यार है और आप इस गलत फहमी से बाहर नहीं आना चाहते। रही बात उस लड़के की तो वो मैं क्या, वो क्या इच्छा बोलो, तुम्हारे पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है ना? और होगा भी कैसे, तुम चाहती कुछ और कर कुछ और रही हो। खैर छोड़ो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो। वाकू भी ना कहां रह गया, एक छोटा सा काम दिया मैंने उसे, नागिस्तान जाकर माँ को यहाँ लाना है, इतने से काम में इतनी देर। हे नागूमी देव, या तो वक्त रोक दो या तो मेरी उलझन सुलझा दो। लगता है वाकू आ गया। गुनगुन, तुम अब तक सोई नहीं? सोने ही तो आई हूँ। यहाँ? हाँ, आज मुझे यहाँ आपके साथ सोना है। नहीं गुनगुन, तुम यहाँ कैसे सो सकती हो, तुम तो रोज अपू भैया के साथ सोती हो ना। आज मुझे वहाँ नहीं सोना, वो हमेशा मस्ती करते रहते हैं और मुझे चिढ़ाते रहते हैं। अच्छा चलो मैं अपू भैया को समझाती हूँ। नहीं, मैं आज यहाँ आपके साथ सो तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? तकलीफ तो नहीं है गुनगुन, लेकिन दीदी मुझे सोने दीजिए ना, मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें गुनगुन, आज मेरा यहाँ सोना बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। मतलब? मेरी माँ कहती है कि मुझ जैसी प्यारी बच्ची के साथ सो तो बड़ी प्यारी नींद आती है। सही कहती है तुम्हारी मम्मी। अच्छा चलो एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ, मैं दूध पी कर आती हूँ, तुम पियोगी? नहीं, मैं मूंगफली खाऊंगी। ठीक है मैं अभी आई। बाकू तू कहाँ है, माँ से कहना मैं उनका घर के बाहर इंतजार कर रही हूँ। माँ मैं फिर से गुलजन में फंस गई। आपको पता है आज एक लड़का मुझे देखने आया, उसका नाम मयूरेश है और वो ये देखिए ये है लड़का। आप प्लीज मेरी बात मानिए, सबसे कह दीजिए कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। लेकिन मुझे तुम पसंद सिर्फ इस वजह से कि तुम एक इच्छाधारी नागिन हो, नागिस्तान की इच्छा हो। कुछ दिन पहले विशैलगढ़ की विश्नैनी के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई, अब तुम्हारे पास एक ही राह है, मुझसे शादी कर। माँ मयूरेश ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो घर वालों को मेरी सच्चाई बता देगा। तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इच्छा तेरी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर दुश्मन से लड़ना है तो उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, इस तरह हवा में प्रहार करने से तो कुछ नहीं मिलेगा। ये मयूरेश कौन है, कहां से आया है? वो तो मैं नहीं जानती माँ, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं। माँ मैं कोई खतरा नहीं उठा सकती, अगर उसने घर वालों के सामने कुछ उगल दिया तो। नहीं नहीं हम उसे ऐसा नहीं करने देंगे, रोकेंगे उसे। लेकिन कैसे? एक विकल्प है, अगर तू किसी तरह दादी जी के सामने ये साबित कर दे कि ये मयूरेश अच्छा लड़का नहीं है तो दादी जी खुद ही उसे घर से भगा देंगे। नहीं माँ इतना काफी नहीं है, हमें कुछ और तोड़ निकालना होगा जिससे इस मयूरेश का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। माँ शायद कोई आ रहा है, आप जाइए मैं आपको कल मिलूंगी। Oh, yeah.
बबल जी? बबल नहीं हूं मैं, मयूरेश। तुम इस बबल के नाम को भूल ही जाओ, तुम्हें अब सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, मयूरेश, क्योंकि ये नाम तुम्हारे नाम के आगे जुड़ने वाला है। नहीं, इच्छा का नाम तुम्हारे साथ कभी नहीं जुड़ेगा, और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम बहुत पछताओगे। इच्छा, हाँ, मुझे धमकी देने की सोचना भी मत। तुम मेरी सच्चाई जाके सबको बताना चाहते हो ना, तो जाओ बता दो, लेकिन इसमें मुझसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा है। अगर मेरी सच्चाई खुल गई तो मुझ पर यहाँ रहने का कोई दबाव नहीं रहेगा और मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर मुझसे शादी करने का तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। इच्छा, अकड़ बहुत है तुम, लेकिन कसम से तुम्हारी इस अकड़ पे ना मुझे प्यार भी बहुत आता है। देखो, जितना गुस्सा करना है कर लो, लेकिन तुम्हारे इस गुस्से को मैं प्यार में बदल दूंगा। तुम प्यार भी मुझसे करो और तुम्हारी शादी भी मुझसे ही होगी। तुम? इच्छा, तुम मेरी हो और मेरी होके रहोगी। इच्छा, ये तो इच्छा की आवाज है। खड़क, प्रबल, सबल, बबल, जल्दी बाहर आओ। दादी, वो इच्छा, मैंने उसकी चीखने की आवाज सुनी। हाँ दादी, मैंने भी सुनी। मैं छोरी के साथ कुछ। अरे लेकिन ये आवाज आई कहाँ से? शायद बाहर से आई होगी। बाहर से? इच्छा, इच्छा क्या हुआ तुम्हें? ये हुआ कैसे? एक चीता ने इसमें हमला कर दिया था। वो तो अच्छा, मैं वक्त पे आ गया, नहीं तो इसे इसे अंदर लेके चलते। चल चल चल, अंदर ले ले, जल्दी। आंखें खोलो। हाँ इच्छा, इच्छा उठो। ए माँ, ये छोरी तो आंखें ही ना खोल रही, डॉक्टर को बुला के लाऊंगे। रुक जा छोरा, रुक जा, मैंने कोशिश करने दे। मारी आवाज सुनकर ना उठे तो तू डॉक्टर को बुला लेना। ठीक है माँ। बबल, हट छोरा। ए छोरी, आंखें खोल, आंखें खोल छोरी। दादी जी, हल्दी का लेप। अरे ममता, यो क्या कर रही है? अभी तो इच्छा की सिर्फ शादी की बात हो रही है, फिर हाँ या ना होगी, फिर मुहूर्त निकलेगा और उसके बाद जाकर रस्में होंगी। तू ये लेकर आ गई हल्दी? ये हल्दी रसम वाली हल्दी नहीं है, इसे मैं इच्छा के जख्मों पर लगाऊंगी, इसे लगाने से जख्म जल्दी भरते हैं। हाँ बिल्कुल सही भाभी। लेकिन भाभी, हल्दी लगानी किसको है? अरे बेकूफ, इच्छा जख्मी हो गई है, उसे लगानी है हल्दी।
भाई और सबका तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं ना। अरे चुप करो बावलो, चुप करो। तुम दोनों की बातों से मैं बेहोश हो जाऊंगी। जाओ यहां से। ममता तू भी किसकी बातों में लग गई है, ला दे। हो सा गया। दादी दादी मैं इच्छा, ये क्या बचपना है? आसपास जंगल फैला है और इतनी रात को तुम अकेले टहले निकल गए। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहां पे वक्त पे आ गया, वरना वो तेंदुआ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ है दादी, असल में ये। अच्छा अब बस कुछ नहीं बोलो। छी कितना गंदा आदमी है, झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। आज के बाद रात को अकेले घर से बाहर मत निकलना। जान को मेरी जान को कोई खतरा नहीं है और ना ही कभी था। दादी दादी मैं हाँ हाँ छोरी जानती हूँ कि तुम बहुत बहादुर है, लेकिन अपनी जान के साथ ऐसी खिलवाड़ तो ना करते ना। थारे पीछे थारी चिंता करने वाले घने लोग हैं। अपनी नहीं कम से कम उनकी तो फिक्र कर। बिल्कुल अच्छा, आज तो मैं वक्त पे पहुंच गया, हो सकता है कल मैं पहुंचू या ना पहुंचू, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। देखो इच्छा, मैं मानता हूं कि हमारी जान पहचान बस एक दिन की है, लेकिन यकीन मानो इच्छा, रिश्ते उम्र से नहीं, रिश्ते एहसास से बड़े होते। इच्छा मैं तुम्हारे साथ इतना सा भी हादसा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। छोरी तू हमारे लिए अनमोल है, तो अपना ध्यान रखा कर। और मयूरेश आज तुमने इच्छा की जान बचाई, तुम्हारा ये कर्ज है हम पर, हम ये एहसान कैसे उतारेंगे। ए मां मैंने तो लग गया है कि शिव जी ने मयूरेश को इच्छा के लिए ही बनाया है। देख आज इच्छा की जान बचाई है उसने, और कल को इच्छा मयूरेश की जिंदगी संवारेगी। दोनों की जोड़ी घनी प्यारी लगे है मुझे। वो क्या बोल रहे उसको अंग्रेजी में, मेड फॉर ईच अदर है दोनों। वैसे तो शादी के बाद पति पत्नी की रक्षा करता है, लेकिन मयूरेश तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही इच्छा का बॉडीगार्ड बन गया। लो बताओ। वाह 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 क्या जबरदस्त बात ठोकी है तूने आज, मजा आ गया। मैं भी तो तेरा बॉडीगार्ड ही हूँ। खड़ा मेरी सपोली, रोज किसी नई चुनौती का सामना करना पड़ता है ऐसे। वो तो नागोमी देव की कृपा है कि इच्छा सलामत है, वरना उस गिलहरी ने तो। सही कह रहे हैं आप, लेकिन गिलहरी से बड़ा अब भी एक संकट उसके सामने खड़ा है, वो मयूरेश। मैंने कहा था इच्छा से कि उस मयूरेश को घर वालों की नजरों में गिराए, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही हो गया। वो मयूरेश घर वालों की नजरों में महानायक बन गया, इच्छा का रक्षक। लेकिन इससे तो हमारी सपोली की मुश्किलें और बढ़ गई। आंखें खुली हो या बंद, तुम्हारी खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे गर्व है अपनी पसंद। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हो? तुम्हारी सहूलियत के लिए। अभी से आदत हो जाए तो तुम्हारे लिए अच्छा है। किस बात की आदत? इसी बात की कि आज के बाद जब भी तुम्हारी आंखें खुलें तुम मेरा चेहरा देखो। एक दो दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का सौदा है। हद होती है बेशर्मी की, इतना समझाने के बाद भी तुम। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। आज नहीं तो कल तुम्हें तो मेरा होना। और बात क्या है, तुम्हारे परिवार ने भी यही कहा ना कि मुझसे चलन तुमने मिल नहीं सकती। देखो सीधी तरह हाँ बोल दो, वरना उनके जरिए तो मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। बस बहुत हो चुका, मजाक समझ रखा है तुमने इस शादी को। हम दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते नहीं है, तुम अपनी असली पहचान नहीं दे रहे हो। किस भरोसे पे करूं मैं तुमसे शादी? पहचान छोड़ो इच्छा, मेरे प्यार को देखो। मुझसे ज्यादा प्यार, मुझसे ज्यादा जुनून, मुझसे ज्यादा पागलपन तुम्हें कहीं और देखने को नहीं। मैं तुम्हारे लिए जान जान भी सकता हूं और जान जान भी सकता हूं। वैसे एक नमूना तो तुम देख ही चुकी हो ना, दूसरा दिखाऊं क्या? मुझे बचाना तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी साजिश थी, और वो तुम्हारा प्यार नहीं, स्वार्थ था। अच्छा ऐसा मत कहो, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए किया। इच्छा मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हें इस दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी मिले, जो कि मैं हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। घर वालों के कहने पे भी नहीं? इच्छा तुम मुझे शादी के लिए तो ना कह सकती, लेकिन तुम्हें तो इसकी वजह बतानी पड़ेगी। वो क्या कहोगी तुम? मेरी सच्चाई बताओगी या अपनी? वैसे तुम मेरे बारे में जो भी जानती हो वो तुम साबित तो कर नहीं सकती, लेकिन जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं वो तुम्हें साबित कर सकता। सोचो मत, सुंदर लड़कियां सोचती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा समझने वाली बात यह है कि मयूरेश नाम की बीमारी का अब कोई इलाज नहीं, तो इसे ना अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। हे नागुमी देव, ये कैसी उलझन है? दुश्मन से लड़ना तो ठीक है, लेकिन कम से कम पता तो चले कि ये दुश्मन है कौन। गुनगुन, गुनगुन तुम गिलहरी हो? हाँ, इच्छाधारी गिलहरी। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ और बाहर जो मुझ पर हमला हुआ था वो। गुनगुन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझे मारने पर? मैंने आपको दीदी कहा ना, फिर मैं आपको कैसे मार सकती हूँ? फिर वो भी तो गिलहरी थी, लेकिन बुरी गिलहरी, उसे विशनरी ने भेजा है। और तुम यहाँ किसके कहने पर आई हो? इच्छा दीदी मैं आपके पिताजी की खबर हूँ। ऐसे तो मेरा काम बहुत आसान है, यहाँ से खबर लेके वहाँ पहुँचाना, लेकिन यहाँ तो आप पर रोज नई मुसीबत आ जाती है। मुझे आपकी जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है और आपकी रक्षा भी करनी पड़ती है। इतनी सी तो हो तुम मेरी रक्षा करोगी? आकार में मत जाओ दीदी, छोटी हूँ लेकिन करामती। इससे पहले जो आप पर दो हमले हुए थे उससे भी मैंने ही आपको बचाया था। सच कह रही हो? आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? मैं मयूरेश नाम की मुसीबत का हल बताती हूँ, फिर आपको अपने आप यकीन हो जाएगा।
तुम ये सब कैसे? दीदी मैंने हमको कहा ना, छोटी हूँ लेकिन करामती हूँ। अच्छा सुनो, आपको मयूरेश की पहचान जाननी है ना, कि वो कौन है, कहाँ से आया है और क्या करता है, तो ये सब जानने के लिए आपको सतपुरा के जंगल में जाना होगा। वहाँ एक छोटा सा जादुई तालाब है। उस तालाब का पानी आप किसी पर भी छिड़कोगे तो तुरंत ही उसका असली रूप सामने आ जाएगा। सतपुरा का जंगल, जादुई तालाब, मुझे तो अभी भी आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? इच्छा दीदी, आपके पिताजी ने मुझे ये आपसे कहने के लिए कहा था। अगर आपको अभी भी शक है तो मैं खुद जाकर वो पानी ले आऊंगी। नहीं गुनगुन, सतपुड़ा का जंगल खतरनाक है और मैं अपने काम के लिए तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। तो किसी को तो अपनी जान जोखिम में डालनी होगी ना। अगर जोखिम उठाना है तो मैं उठाऊंगी। मैं जाऊंगी वहाँ और अकेले। गुनगुन तुम मेरे पीछे पीछे नहीं आओगी। लेकिन दीदी अब घर वालों को क्या कहूंगी, कहाँ जा रही और क्यों? गुनगुन वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। सतपुड़ा का जंगल, उस जंगल में जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। और अगर कोई रास्ता हुआ भी तो हम उसे बंद कर देंगे। अच्छा यह इच्छा कि तुम वहां अकेले जा रही हो। सतपुड़ा के जंगल की पवित्र जमीन पर अब तुम्हारी समाधि बनेगी। बाकू मैं सतपुड़ा के जंगल जा रही हूँ, कब आऊंगी पता नहीं, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आ जाती तुझे इच्छा बनकर यहाँ रहना है। बस एक बात याद रखना, जो गलतियाँ पहले हुई है वो दोहराना नहीं। लेकिन इच्छा, इस बार गुनगुन भी तो तेरे साथ है, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसे बुला लेना, ये सब संभाल लेगी। ठीक है इच्छा, गुनगुन को मूंगफली खाने से फुर्सत मिलेगी तभी ये मेरी मदद करेगी ना। गुनगुन अब क्या करूं इच्छा दीदी, इसे देखती हूँ तो रहा नहीं जाता है। हर गिलहरी की यही तो कमजोरी होती है, एक तो मूंगफली और सूखा मेवा। लेकिन गुनगुन कुछ वक्त तक तुम्हें अपनी इस कमजोरी को काबू में रखना होगा। रखोगी ना? हाँ पक्का रखूंगी, अब बेफिक्र होके जाइए। ठीक है बाकू मैं चलती हूँ। भैया कौन हो तुम और यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रही हो? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं भैया, दरअसल मुझे पानी चाहिए था। अगर आसपास कोई पानी का सोता हो तो, कोई तालाब, कोई नदी या फिर कोई झरना। यहाँ से आधी मील की दूरी पर एक छोटा सा पोखर है, वहाँ कभी पानी होता है कभी नहीं होता है, चाहो तो तुम जाके देख सकती हो। भैया आप मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? हाँ चलो, यहीं पर है पास में। चलती जाओ इच्छा, तुम्हारे कदम जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ते चले जाएंगे सतपुड़ा का जंगल और भी घना होता जाएगा। वापस लौटने के सारे रास्ते बंद होंगे। तुम नहीं जानती इच्छा कि तुमने किसका साथ चुना है। तुम हमारे जाल में फंसती जा रही हो और अब की बार हम तुम्हें बचने का कोई मौका नहीं देंगे। अरे यार ये दुनिया भर के लोगों को इच्छा के कमरे में क्यों आना है? चल भाई वाकू, अपने अंदर की औरत को जगा और लग जा काम पर। क्या हो रहा है?
मैं इच्छा क्यों नहीं बन पा रहा? मंत्र तो ठीक पढ़ा था मैंने। इच्छा, मैं आ रहा हूं अंदर। इच्छा बन गई। क्या बन गई? इच्छा। अब इच्छा बनी तो पहले कौन थी? अब इच्छा ही तो थी। आज तुम कुछ अलग लग रही हो। अलग? लगता है पूरी तरह इच्छा नहीं बना हूं। कहीं कुछ आधा अधूरा छुप तो नहीं गया? हे नागोमी देव, लाज रखना। अलग तो लगोगी ना, तुम्हारे पास वजह भी तो है। इसे वजह भी पता है? बाकू, दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया बेटा। सब उस मयूरेश की, सॉरी तुम्हारे मयूरेश की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तुम्हें खुशी तो होनी चाहिए। मयूरेश बहादुर, मयूरेश चालाक, मयूरेश हैंडसम, मयूरेश ये, मयूरेश वो, सारे घर में बस मयूरेश ही मयूरेश सुनाई दे रहा है। तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। इच्छा बब्बल जी, आप इच्छा ऐसा लड़का ना सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, और तुम्हें घर बैठे बैठे मिल गया। मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत को। जी, सही कह रहे हैं आप। सही कह रहा हूं मतलब? तुमने क्या सोचा है, तुम उसे हाँ कहने वाली हो? हाँ, उसने मुझे तेंदुए से बचाया है। हाँ तो ठीक है ना, सिर्फ उस एक बात को लेकर तुम उसे हाँ बोल दोगी? इच्छा, अच्छा पति बनने के लिए सिर्फ बहादुर होना जरूरी नहीं है, अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, अच्छा स्वभाव, अच्छा खानदान भी तो होना चाहिए। देखो इच्छा, जल्दबाजी में हाँ बोलोगी तो पछताओगी। इतना उतावलापन ठीक नहीं है। उतावला ही तो हो रहा हूँ। हो रहा हूँ? हाँ, ऐसा कहा मैंने? बब्बल जी, आपने गलत सुना होगा। अरे मैं लड़की हूँ, मैंने कहा मैं उतावली हो रही हूँ। तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आती? शर्म तो आ रही है। तो फिर तुम हाँ क्यों बोल रही हो? हाँ कौन कह रहा है? तुमने अभी तो कहा कि बब्बल जी, मैंने कुछ नहीं कहा, सब आप ही कह रहे हो और सब आप ही समझ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम ना कहने वाली हो? मैंने ये भी नहीं कहा। इच्छा, ये क्या है? ये जहाँ तक मुझे पता है इसे चेहरा कहते हैं। अगर इसका कोई और नाम है तो आप मुझे बता दीजिए। चेहरे की नहीं, तुम्हारे चेहरे पे जो पसीना उसकी बात कर रहा हूँ। ये अब मैं बहुत थक गई हूँ। क्यों थक गई हो? रूप बदलते बदलते। क्या? अब ये रूप बदलना क्या होता है? कपड़े बब्बल जी, कपड़े। जब इंसान अलग अलग कपड़े पहनता है तो वो अलग अलग दिखाई देता है। मैंने अभी अभी कपड़े बदले है ना, तो सारे से बातें मैं अलग लग रही हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने रूप बदला है। क्या तुम ना, तुम पागल हो, और सामने वाले को भी पागल कर दोगी। अब मैं जो कह रहा हूँ, जैसा कह रहा हूँ, तुम्हें वैसा ही करना है, ठीक है? ध्यान से सुनो, तुम्हें उस लड़के को अभी हाँ नहीं कहना है। ठीक है, नहीं कहूंगी मैं हाँ। कमाल है, इतनी जल्दी मान गई? मेरी टांग तो नहीं खींच रही है। तुम अच्छा ही हो ना? हाँ? क्या? क्या? अब इस सवाल का जवाब देने में तुम 2 घंटे लगाओगी? तो आप ऐसे अतरंगी सवाल पूछते क्यों हो? बच गया तू वाकू, वरना तेरी बैंड बज जाती। ये इच्छा भी ना कहाँ फंसा कर चली गई मुझे। इच्छा जल्दी आओ, एक बब्बल आया तो मेरा ये हाल हुआ है, पूरा परिवार आ जाएगा तो मेरा क्या होगा। मुझे तो यही सोच सोच के पसीना आ रहा है। क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? मुझे तुम्हें जिस जगह ले आना था वो जगह आ गई है। लेकिन यहाँ तो कोई कुंड नहीं है, मैंने आपसे कहा था ना मुझे पानी। इच्छा, पानी की तलाश में तो तुम निकली थी, मैं तो किसी और मकसद से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप है कौन? Ha 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 ha
मतलब तुम लकड़हारे नहीं उसकी भेस में? हाँ। आज आपने बचा लिया। जैसे जिसके कर्म वैसा उसका फल। जब बुराई एक हद से आगे बढ़ जाती है तो अच्छाई भी उसे नहीं बचा सकती। अरे ममता, तू इसे क्यों बाहर ले आई? आराम करने देना था ना। दादी जी अपने कमरे के बाहर ताक झांक कर रही थी, मुझे लगा किसी खास इंसान से मुलाकात करने का मन कर रहा होगा, इसलिए मैं इसे बाहर ले आई। मैंने सोचा खुली हवा में दिल बहल जाएगा। बात तो तू बिल्कुल सही कर रही है। आ छोरी, बैठ मारे पास। चाय पिएगी? पी ले, अच्छी है। अब दादी, चाय पीने का तो मन नहीं है, लेकिन अगर मलाई वाला दूध मिल जाता तो। हाँ छोरी, क्यों ना मिलेगा, जरूर मिलेगा। ममता, जा जाके इच्छा के लिए मलाई वाला दूध लेकर आ, और हाँ, उसमें थोड़ी केसर भी डाल देना। जी दादी जी। अरे दादी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इच्छा को कुछ देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो क्या है कि कल इच्छा इतने बड़े हादसे से ही सलामत बची है, तो एक छोटा सा तोहफा तो बनता ही है ना। इच्छा, ये तुम्हारे लिए। मैं इसे शिवजी के मंदिर से लेके आया हूँ। ये तुम्हारी बुरी नजर से रक्षा करेगा और तुम्हें हर बुरी से बचाएगा भी। नहीं वाकू, मयूरेश की दी हुई किसी भी चीज को हाथ भी मत लगाना, वरना इच्छा के हाथों बहुत पीटेगा। वैसे भी इस मयूरेश के इरादे बिल्कुल सही नहीं है। क्या पता इसे पहनते ही तेरा असली रूप सबके सामने आ जाए। अरे अच्छा हुआ आप आ गई। शायद इन्हें मुझसे शर्म आ रही है, आप ही ने पहना दीजिए। गुनगुन, अरे अरे क्या हो गया? दरवाजे में उंगली फंस गई थी, लेकिन दर्द अभी भी हो रहा है। तू रो मत छोरी, मैं भी मरहम लगा देती हूँ।
ममता जाके मरहम लेके आ। दादी जी। नहीं नहीं दादी जी, इच्छा दीदी मुझे मरहम लगा देगी। ठीक है। बोले मेरी बेटी आ जा। दादी मैं अभी आई। ये दोनों के रहने से कितनी रौनक है ना अपने घर में। गुनगुन तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मेरे पीछे पीछे आने से मना किया था ना, फिर भी तुम बहुत ही जिद्दी हो तुम। गुनगुन तुम क्या कर रही हो? तुमने गुनगुन को यहाँ आने से मना किया था, मुझे नहीं। इच्छा तुम यहाँ पानी लेने आई थी ना, पर तुम्हें पानी मानी सिर्फ मौत मिलेगी। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। यही तो कमजोरी होती है, एक तो मूंगफली और सूखा मेवा। ठीक नहीं किया, बस खेल खत्म। अब तुम्हें जितना कूदना है कूद लो, तुम खुद को नहीं छुड़ा सकती। अच्छाई फिर जीत गई और बुराई को फिर एक बार मात मिल गई।
पड़ी रहो यहीं। तुम जब भी मुझे देखती हो परेशान क्यों जाती हो इच्छा? मैं प्यार करता हूं तुमसे, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। कुछ काम था? हाँ, मुझे तुम्हें यह बताना था कि तुम कितनी चालाक हो। तावीज का हार बना के लाया और तुमने पहना भी नहीं। आज तो बच गया वाकू, वरना तेरी खैर नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। संभल कर वाकू, अगर हार में तावीज हो सकता है तो फूलों में भी कुछ हो सकता है। ले लो। नहीं, मुझे फूल पसंद नहीं है। क्या? तुम्हें फूल पसंद नहीं है? कोई बात, चॉकलेट? नहीं, मुझे चॉकलेट भी पसंद नहीं है। अच्छा, तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जिसे ना फूल पसंद है ना चॉकलेट। मैं तो लड़की ही नहीं हूँ। मेरा मतलब है, मैं अच्छा, तो तुम्हारी इस बात का मतलब मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैं जानता हूँ कि तुम लड़की नहीं, तुम तो मयूरेश। तुम यहाँ इच्छा से मिलने आए? तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली इच्छा से मिलने के लिए? मतलब मयूरेश, तुम्हारी शादी अभी तय नहीं हुई है और तुम्हारा इस तरह इच्छा के कमरे में आना अच्छा नहीं लगता। मैं तो यहां देखो बस... मयूरेश, तुम्हें इच्छा से मिलना है, इसे बात करनी है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इच्छा के कमरे में आना नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं है। लेकिन मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तुम्हें क्या लगता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक है, देखो मयूरेश, तुम हमारे घर में मेहमान हो और हमारी घर की कुछ मर्यादाएं हैं और तुम्हें उसका पालन करना है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अच्छी तरह। तो अगली बार तुम्हें इच्छा से बात करनी है, तुम्हें इससे मिलना है, तुम हमें आके बताओगे, हम तय करेंगे तुम इसे कब और कहां मिलोगे। ठीक है, ठीक है, तो जाओ। और तुम, क्या कहा था मैंने? हाँ, जल्दी नहीं करनी है। तुम क्यों उस मयूरेश से बार बार मिल रही हो? मैं कहाँ मिल रहा हूँ? यार ये मिल रहा हूँ मिल रही है क्या लगा रखा है? हाँ, अब सॉरी। तुम अपना स्त्रीलिंग पुलिंग भूल जाती हो क्या? नहीं नहीं, वो कभी कभी जल्दी बोलने के चक्कर में। कौन कह रहा है जल्दी करने के लिए? हा? देखो इच्छा, तुम्हें किसी भी चीज में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले बार ये मयूरेश दरवाजे पे आए तो दरवाजा मत खोलना। हाँ, लेकिन मैं। अरे काना, मैंने जल्दी नहीं करनी है। देखो इच्छा, अगर उसे याद हुए किसी ने देख लिया तो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी सोचो। हाँ, सही कह रहे हो आप, मैं ना थोड़ी बुद्धू हूँ पर आजकल तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। टाटा मारो मुझे। हाँ, टाटा मारो। मैं टाटा मारो? नहीं नहीं, नहीं इच्छा, टाटा मारो, मारो 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 मारो। ओ, ओ, पापन जी, आप ठीक हो ना? सपना तो नहीं है, है तो ये इच्छा ही, लेकिन ये इतनी आसानी से मेरी हर बात मान रही है, बात हजम नहीं हो रही है।
बब्बल जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ ठीक है इस बार माफ कर दिया, लेकिन अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नागोमिदेव, बब्बल जी मेरे कमरे से बाहर आ रहे हैं, मतलब वो वाकू से मिलकर आ रहे हैं। वाकू इच्छा बनाए, अब एक ही वक्त पे एक इच्छा अंदर और एक इच्छा बाहर हो नहीं सकते। तू भाग ले इच्छा, बब्बल जी ने देख लिया अब तो गड़बड़ हो जाएगी। इच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब दीदी वो मेरी चूड़ी ना नीचे गिर गई थी, मिल गई तो मैंने पहन ली। ठीक है, क्या हुआ? आप मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? तुम यहाँ कैसे? कैसे मतलब? अभी कुछ सेकंड पहले तुम अपने कमरे में थी और अब तुम यहाँ कैसे? हाँ तो इसमें इतने चिल्लाने वाली क्या बात है? चिल्लाने वाली बात है अच्छा, ये जो तुमने किया है ना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। बब्बल जी आप ये क्या बोल रहे हो? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इंसान नहीं तो क्या भूत हूँ? हमारी हरकतों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। बब्बल जी मैं क्या, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना? ये अपनी नाक नीचे करो और जवाब दो मुझे, तुम यहाँ कैसे? वो भी मुझसे पहले। हाँ कैसे मतलब? मैं अपने कमरे से निकली, मतलब आपके बाद निकली, और फिर आप जब यूं ऐसे ऐसे कुछ सोच रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। हो ही नहीं सकता, इतने कम वक्त में वहां से आना मुमकिन ही नहीं है। मैं आपसे बहुत तेज हूँ बब्बल जी। हाँ वो तो तुम हो, तभी तो। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम मुझे अपने कमरे में मिलती हो तो भीगी बिल्ली बन जाती हो और कमरे के बाहर शेरनी की तरह घुर्राती हो, ये अंदर बाहर का मामला क्या है? मामला मामला कुछ नहीं है, दरअसल मैं कभी भी कुछ भी बन सकती हूँ, आप नहीं जानते मैं क्या। बोलो रुक क्यों गई? मुझे भी जानना कि तुम आखिर चीज क्या हो, बोलो ना। हाँ जानने समझने के चक्कर में मत पड़िए बब्बल जी, एक तो मैं आपके समझ में आऊंगी नहीं और अगर गलती से समझ में आ भी गई तो आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। ये क्या बोल गई? मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं और उल्टा मेरी कंफ्यूजन बढ़ा के चली गई। वाकू, वाकू, इच्छा कहाँ थी तुम इतनी देर? इच्छा एक बात गांठ बांध लो, आज के बाद नहीं नहीं अभी इसी पल के बाद मैं फिर दोबारा इच्छा नहीं बनूंगा। दुनिया भर का जो मर्जी काम बोलो मैं करूंगा, मुझसे मेरी जान मांग लो वो भी दूंगा, लेकिन इच्छा कभी नहीं बनूंगा। यहाँ देखो बब्बल आ रहा है, वहां देखो दादी आ रही है, सर पर देखो प्रबल सबल खड़े हैं। गलती से एक आध बार अकेला होता भी हूं ना तो ममता दीदी का प्यार उमड़ आता है, और ये सब अकेले नहीं आते, अपने साथ एक मुश्किल लेके आते हैं। इच्छा तुम महान हो, दिन में जितनी सांसें लेती हो उससे ज्यादा मुसीबतें झेलती हो, लेकिन मैं एक साधारण नाग हूं, मुझसे ये सब नहीं होगा। बस कर वाकू, तू तो कितना बड़ा चढ़ा कर बोल रहा है, मैं आ गई हूँ ना अब चुप। हाँ लेकिन आज के बाद इच्छा नहीं बनूंगा। इच्छा दीदी कैसी हो आप? गुनगुन मैं एकदम ठीक हूँ। काम हो गया ना वो जादुई पानी? हाँ वो मैं लेकर आ गई हूँ। दीदी अपना हाथ आगे कीजिए। क्यों? अरे कीजिए ना, ये लीजिए आपका इनाम। इनाम में मूंगफली? मैं जानती हूँ आप मुझे बताओगे नहीं, लेकिन ये पानी वहां से यहाँ लाना मुश्किल होगा ना, आपने कितना कुछ सहा होगा। छोड़ो वो सब, जो हुआ सो हुआ, अब ये सोचो कि हमें आगे करना क्या है। जल्द से जल्द ये पानी मयूरेश पर छिड़कना है। गुनगुन
ये पानी असर करेगा ना? हाँ पक्का करेगा। और अगर नहीं किया ना तो मैं तुम्हें पीटूंगी। आप मुझे पीटेगी? मैं गिलहरी हूँ, आग चपकने से पहले जगह बदल लूंगी। अच्छा तुम गिलहरी हो तो मैं भी नागिन हूँ, यूं पकड़ लूंगी। अभी पकड़ा पकड़ी का खेल बाद में, चलो अभी चल के इस मयूरेश पर ही पानी छिड़कते। नहीं गुनगुन, ये सब इतना आसान नहीं है। मयूरेश को कमजोर समझने की गलती हम नहीं कर सकते। उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं, वो हर वक्त चौकन्ना रहता है। उसे परास्त करने के लिए हमें एक योजना बनानी पड़ेगी। कैसी योजना? मैं बताती हूँ। ठीक है? हाँ, ठीक है। योजना तो अच्छी है दीदी, लेकिन एक परेशानी है। क्या? वो बुरी वाली गिलहरी, अगर उसने अपनी टांग बीच में अड़ा दी तो? नहीं अड़ाएगी, क्योंकि उसकी टांगे में कहीं और फंसा कर आई हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक गिलहरी के नाम पर धब्बा हो तुम। आज इच्छा मर ही जाती महारानी, मैंने पूरी तैयारी कर ली। एन वक्त पर उसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर दो चार दानों की वजह से तुम अपना लक्ष्य भूल गई। हाँ वो, अब ये सब छोड़ो, एक आखिरी मौका देते हैं हम तुम्हें। उस इच्छा ने अभी तक मयूरेश से शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। जाहिर सी बात है, इस बात का जिक्र दोबारा जरूर होगा। उस इच्छा पर दबाव बढ़ेगा, वो अपनी धुन में होगी और इसी बात का फायदा तुम्हें उठाना है और उस पर हमला करना है। अब जाओ और जाकर उसे खत्म कर दो। जी महारानी। देख छोरा, मैं केले के आई। अंगूठी किसके लिए? इच्छा के होने वाले पति के लिए, सगाई की अंगूठी। लेकिन दादी ऐसी भी क्या जल्दी है आपको? मतलब अभी तो जल्दी करनी पड़े छोरा, कल को इच्छा की शादी तय हो गई और अच्छा सा मुहूर्त जल्दी से निकल आया, तो इन चीजों के लिए समय कहाँ रहेगा। अभी से तैयारी करेंगे तो आगे जाके सहूलियत होगी। लेकिन दादी कोई लड़का पक्का भी तो नहीं हुआ है, कोई ढंग का लड़का मिले तभी तो हम। अरे अपना मयूरेश है ना, कितना अच्छा छोरा है, इच्छा को पसंद भी करता है, और तो और उसने इच्छा की जान भी बचाई। क्या दादी, अब ये कौन सा अजीब उसूल है? हाँ जान बचेगी तो शादी करा दो। दादी हम मयूरेश को ठीक से जानते तक नहीं है, अभी उसको आए हुए एक ही दिन हुआ है और आप। छोरा सारी समस्या मयूरेश ना है, इच्छा के लिए मैं कोई भी छोरा लाके खड़ा कर दूंगी ना तो उसमें भी खोट निकालेगा, क्योंकि तू अभी भी इच्छा से प्यार करता है। तू नहीं चाहता कि इच्छा की शादी किसी और के साथ हो। तुझे लगता है कि तुझसे अच्छा पति इच्छा के लिए कोई हो ही नहीं सकता। छोरा ये बात तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन इच्छा ऐसा ना मानती ना, तुझसे प्यार नहीं करती। देख छोरा, इच्छा की शादी उसकी मर्जी से ही होगी। उसकी मर्जी के खिलाफ न मैं उसकी शादी मयूरेश से करवाऊंगी और ना तुझसे। ये फैसला इच्छा को ही करना है और वो भी जल्दी। मयूरेश कमरे में नहीं है, कहाँ गया होगा? अच्छा तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है।
मतलब? मैंने तुम्हें पहले दिन ही कहा था कि मेरे मुकाबले तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। मुझे मारना तो दूर, मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती तुम। लेकिन मैं ऐसे किसी इरादे से आई नहीं हूँ। देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना कोई हथियार ना कुछ। तो फिर इस तरह चोरी छुपे मेरे कमरे में आने का मतलब? बस इसीलिए ताकि कोई मुझे देख ना ले। मुझे इस तरह अकेले तुम्हारे कमरे में आते हुए घर में किसने देख लिया तो तुम तो समझ ही सकते हो। दरअसल मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। यानी बरामदे में चल के बात करें? बरामदे में जो बात मुझे करनी है मैं चाहती हूँ वो सिर्फ तुम सुनो। यहाँ कोई आ गया तो? अब बरामदे में कोई नहीं होगा, वहां चले। ठीक है चलो। मयूरेश आ रहा है? अभी तक तो नहीं आया। आ जाएगा, इच्छा उसे किसी ना किसी तरह बाहर ले ही आएगी। उसके आते ही मैं आपको इशारा कर दूंगी। अब तैयार है ना? एकदम। आज ये जानकर ही दम लेंगे कि ये मयूरेश है कौन। मयूरेश छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मैंने कहा। आप कहो क्या बात करनी? तुम्हारा मुझे इस तरह यहाँ लेकर आना मुझे अच्छा नहीं लगा। इच्छा तुम्हें तो मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। किस किस बात में दम उठाऊंगा मैं? वो छोड़ो तुम अपनी कहो। बात तो वही है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इच्छा ये बात तो मुझे पहले ही बोल चुकी और दोबारा ये बताने के लिए तुझे बरामदे में लेके जा रही थी। इच्छा चल क्या रहा तुम्हारी बात? बोलो बोलो कौन सा जाल बिछाया तुमने? बोलो। इतनी देर हो गई, अब तक तो इच्छा को मयूरेश को लेकर आ जाना चाहिए था। कहाँ अटक गए दोनों? पता नहीं। इच्छा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। बरामदे में ले जाकर तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी? मैंने कहा ना मैं सिर्फ तुम्हें। झूठ! देखो इच्छा एक हद के बाद झूठ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर मैं जहां तक सवाल शादी का है वो तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी, अपनी मर्जी से या फिर मजबूरी में। नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। इच्छा इतनी जिद अच्छी नहीं होती। इच्छा की जिद तुमने अभी देखी कहाँ है? मतलब वो तो तुम अब देखोगे। मैं खुद जाकर घर वालों को अपनी सच्चाई बता रही हूँ, उसके बाद मेरा क्या होगा मैं नहीं जानती। हो सकता ये लोग मुझे इस घर से निकाल दें। कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, इतनी दूर चली जाऊंगी जहां तक ना तुम्हारी नजर पहुंच पाएगी और ना तुम्हारी चाहत। इच्छा तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी, तुम और तुम्हारे इरादे यही निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इच्छा रुको, अब तो बहुत देर हो गई भैया। हाँ गुनगुन मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनका यहाँ इंतजार कर रहे हैं और वो कहीं और? लेकिन जगह तो यही तय हुई थी ना? वो तो हमने तय किया था। इच्छा दीदी कह रही थी कि मयूरेश बहुत ही चालाक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे हमारी योजना के बारे में पता चल गया हो और वो खुद इच्छा दीदी को? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलो गुनगुन इच्छा को ढूंढते हैं। उस मयूरेश का कुछ भरोसा नहीं है, इच्छा की जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इच्छा दीदी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। रुको, चलो तुम यहां से निकलो, मैं पीछे के रास्ते से आता हूं। क्या हुआ अब क्यों रोक रहे हो मुझे? वैसे एक बात कहूं,
तुम्हारा ये उतरा हुआ चेहरा साफ बता रहा है कि अब ना तो तुम्हारे पास कुछ बोलने लायक बचा है और ना देने लायक कोई धमकी। इच्छा, छोड़ो ना ये सब। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना ही काफी नहीं है? जो सच्चा प्यार करते हैं वो अपनी पहचान नहीं छुपाते, अपना कल अपना आज खुलकर बताते हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ बिनती होती है, धमकी नहीं। त्याग होता है स्वार्थ नहीं। और मैंने तो ऐसी कोई खूबी नहीं देखी तुम में। क्यों करूं मैं तुमसे शादी एक ऐसे शख्स के साथ जिसे मैं जानती तक नहीं हूं, उसे जीवन साथी बनाने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। इच्छा, ऐसी बातें मत, तुम मुझे जान भी जाओगी पहचान भी जाओगी लेकिन अभी नहीं। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं बच्ची को जान से मार दूंगा। अच्छा, तो ये योजना थी तुम्हारी? इच्छा, क्या है इस कलश में, बोलो। इच्छा, ये कलश मुझे दे दो। कलश मुझे दे दो इच्छा, कह रहा हूं तुम्हें आखिरी बार। कलश दो। कलश नहीं, कलश का पानी मिलेगा तुम्हें। मयूरेश बताया, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इच्छा तू भी ना। कोई बात नहीं दीदी, जैसे ही सही, लेकिन इसकी सच्चाई सामने तो आ गई। हाँ गुनगुन, लेकिन मुझे। लेकिन क्या इच्छा? वाकु, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर मयूरेश मोर है तो वो मुझसे क्यों शादी करना चाहता है? मोर तो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। दीदी आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अब तो मयूरेश भाग चुका है ना, अब शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। वो आएगा गुनगुन, वो मुड़कर जरूर आएगा। जहां तक मैंने उसे परखा है वो कमाल का जिद्दी है और उसके पास ऐसी ऐसी शक्ति है कि नहीं, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। अच्छा तुम सही कह रही हो, एक बात का डर अभी भी कायम है, हमने मयूरेश का नकाब उतारा है। अगर उसने गुस्से में आकर तुम्हारी सच्चाई घर वालों को बता दी तो? बापू उसे संभाल कर रख, मैं गुनगुन को लेकर अंदर जाती हूँ। चलो गुनगुन। रुक जा छोरे,